action. Thank you. Thank you. संगीत पे हाँ मेहंदी पे एक्चुअली मेरी मेहंदी पर ऐसा ही था कि मैंने धोती और ऑफ शोल्डर पहना था और ग्लेयर्स पहने थे थ्रू आउट एंड ऑल्सो बिकॉज इट वॉज अ डे इवेंट तो आई थिंक इट लुक रियली नाइस एंड बहुत ही रॉकिंग इवेंट था एंड देन ऑल्सो उसी दिन हमने मैनेक्विन चैलेंज किया था जिसमें हमने काला चश्मा पे ही किया था सो आई थिंक वी ऑल लुक वेरी कूल जब यू नो इंडियन आउटफिट्स और चश्मे पहनते हैं तो बहुत मज़ा आता है मुझे तो तो जैसे ही मुझे इस इवेंट के बारे में पता चला था आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई यू नो हैड टू ड्रेस अप एज अ ब्राइड एंड वेयर काला चश्मा एंड ऑफ कोर्स ही आल्सो हैड टू बी एन इंडियन एंड वेयर चश्मा एंड ही लव्स चश्मास सो विद एनीथिंग ही विल वेयर चश्मा इवन इफ ही गेट्स इनटू एन एयरपोर्ट एंड वहाँ पर धूप भी नहीं होगी तो भी वो चश्मा पहन के बैठता है ही इज वन ऑफ दोज इफ आई हैव नॉट स्लेप्ट एट नाइट एंड आई हैव रेड आईज और व्हाटएवर स्वॉलन आईज आई वुड लाइक टू वेयर चश्मा एंड हाइड देम इट्स नॉट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ आई थिंक इट्स फैबुलस के यू नो एक फिल्म को जो ऑन एयर आने वाली है ऑन जी सिनेमा उसे इस तरह प्रमोट करना आई थिंक द आइडिया इज फैंटास्टिक बिकॉज यूथ से बेटर क्राउड मिल ही नहीं सकता फॉर यू नो कुछ भी हाइप देने के लिए किसी चीज़ को सो आई थिंक इट्स जस्ट परफेक्ट यार द होल कॉन्सेप्ट एंड द होल रोड थिंग के रास्ते पर करेक्ट द द सॉन्ग ऑब्वियसली यूथ ने इसको तो आई वाज जस्ट सीइंग ऑन YouTube इन द मॉर्निंग 166 मिलियन व्यूज है इस गाने पे तो ऑब्वियसली यूथ का ही किया धरा है वो सारा एंड यू नो प्रमोटिंग दिस इन फ्रंट ऑफ द यूथ एंड विद द यूथ आई थिंक नथिंग इससे बेटर आइडिया नहीं हो सकता आज भी आपने मेरे फैन के साथ डांस मूव्स किए और काफी एंजॉय किया है अदरवाइज हम ज़्यादा डांस नहीं करते हम दोनों बट ये सॉन्ग ही कुछ ऐसा है कि जैसे ही शुरू होता है यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट ग्रूविंग एंड यू नो यू स्टार्ट मूविंग एंड डांसिंग सो बिकॉज़ ये पंजाबी बहुत पुराना गाना है इसको रिवाइव करके लाए थे बट आई वाज रियली स्मॉल आई थिंक मैं थर्ड या फोर्थ क्लास में था तब से गाना ये सुन रहा हूँ मैं सो मेरे साथ ही गाना बड़ा हुआ है सो आई दिस इज वेरी स्पेशल टू मी वेल आई थिंक अगर उनकी शादी हो रही है अंदर तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज शादी से ज्यादा ब्यूटिफुल इज नथिंग which we have just realized a month back so I think agar aisa hai to bahut achhi baat hai and I just wish them all the luck and happiness ke bahar aakar bhi unka relationship balki jaisa hai usse zyada stronger ho jaye so that is what we would want at least for them when fans are going to see you together on screen doing a project right now I'm on a wife holiday so main thodi chutti par hu I'm working and she's chilling Yeah, so he's going to chill and anyways we are going to California abhi on the 26th so wahan se aane ke baad then I will start working and lastly we got to know ki aap logon ne sukish ye jo tattoo bhi banwaya hai so please flaunt it because wo kafi acha hai mera to bahut light ho gaya itna ghar ka kaam karwata hai ye mujhse wo what do you have to say on this aur janta se ye kehna chahunga jo exam usme lag rahe hain bilkul kya bolte hain whatever okay so this is the tattoo par hum dono ka light ho gaya to usko ek second aur chahiye abhi क्योंकि एक बार फिर से उसको डार्क करवाना पड़ेगा बट यस वी गॉट दिस सो बेसिकली आईडिया किसका था ये टैटू का वी एक्चुअली वांटेड टू गेट इट डन बिफोर मैरिज हां इंस्टेड ऑफ द एंगेजमेंट रिंग बट बिकॉज़ इतना हॉटस्पॉट था सब कुछ हमें टाइम ही नहीं मिला सो देन वी गॉट इट डन लिटरली बंदा घर पे आके बना के गया वी एक्चुअली डन टाइम रात में 11 बजे हमने बनवाना शुरू किया सो या थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच